हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पुदीने से बना हुआ होममेड मास्क। पुदीने में हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए होता है, सी होता है, जो हमारी स्किन को हेल्दी वे में क्योर कर देता है। तो पुदीने के पत्तियों को आपको रूम टेम्परेचर पे सुखा लेना है और उसका आपको पाउडर पीस लेना है, और हर घर में मौजूद होता है। हेल्दी भी बनाता है हमारी स्किन को और ग्लोइंग और नेचुरल चमक को इम्प्रूव कर देता है। मुहासों के लिए बेस्ट है। तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे सुखा लिया था, पुदीने की पत्तियों को, और ये हमारी स्किन को नरिश कर देता है। और हमारी हेल्थ के लिए भी, हेल्दी ड्रिंक के रूप में भी हम पी सकते हैं, चटनी के रूप में पुदीने को खाया जाता है। तो इसका पाउडर मैंने पीस लिया था। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले बोल में हम लेंगे बेसन। हेल्दी है ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए, प्रोटीन का सोर्स है बेसन, तो इसलिए हमें सर्दी गर्मी में बेसन को ज़रूर यूज करना चाहिए। उसके बाद ये पुदीने की पत्तियों का पिसा हुआ पाउडर मैंने ऐड किया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर। मुहासों वाली, पिंपल वाली स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन ये मास्क बनने वाला है। उसके बाद मैंने विटामिन सी का सोर्स इसमें टमाटो जूस ऐड किया है, जो दाग धब्बों को दूर करता है और स्किन पे ग्लो लेकर आता है। पुदीना हमारे चेहरे से हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है, कील मुहासों को दूर कर देता है, और हमारे चेहरे पे जो एजिंग साइंस दिखाई देने लग जाते हैं या समय से पहले बुढ़ापा नज़र आता है हमारे चेहरे पर, रिंकल्स, फाइन लाइंस, उनको दूर करने में पुदीना बेहद ही कारगर है। तो आपको इसको खाना भी चाहिए, और चेहरे पे लगाओगे तो इसके डबल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पेस्ट को, और टीनेजर्स जो होते हैं मुहासों से परेशान होते हैं, तो पुदीना चेहरे को ठंडक भी देता है और जो मुहासे होते हैं उनको कम करने में हमारी हेल्प कर देता है। उसके बाद इसमें मैंने नरिशमेंट के लिए दही ऐड की है। गर्मी का मौसम है और हमारे चेहरे से सूजन को, जलन को दूर करता है पुदीना, और जब ये दही के साथ मिलेगा तो इसकी जो गुडनेस है वो डबल हो जाती है, और हमारी स्किन को नरिश करेंगे, टोन करता है पुदीना, और दही भी हमारी स्किन को नरिशमेंट करके ड्राइनेस को दूर कर देती है, पोर्स को क्लींस करके हमारी स्किन पे कसावट लेकर आते हैं। जो भी होम रेमेडी हम यूज करते हैं तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम घर पे, और इजीली ग्लो ला सकते हैं अपनी स्किन पे। तो आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस पेस्ट को आपको हल्के से अप्लाई करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि जो पुदीने का पाउडर है वो थोड़ा सा दरदरा है, ताकि हमारी स्किन पे कोई हार्म ना हो सके या रेडनेस ना आए। तो आपको एक हेल्दी लेयर लगा के अपने फेस पे आपको छोड़ देनी है। हाथों पे आप लगा सकते हैं, टैनिंग को दूर करेगा ये मास्क हमारा, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर है, टर्मरिक इसके अंदर है, और हमारे चेहरे से हाइपर पिगमेंटेशन है या एक्ने मार्क है, पिंपल मार्क है, वो भी दूर हो जाएंगे, और हमारी स्किन बनती है फ्लॉलेस और ग्लोइंग, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, मुहासे सूख जाते हैं। इससे पुदीना हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, ठंडक देता है। अगर जलन आपको महसूस होती है आपके शरीर में, तो आप पुदीने का ड्रिंक बना के पी सकते हैं। इसका आप पत्तियों का पेस्ट बना के भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे जलन है तो। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लें अपने फेस को, और कोई भी अच्छा मॉइस्चर जरूर लगाएं। समर सीजन में भी नरिशमेंट की और मॉइस्चराइजर की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही हेल्दी रेमेडीज़ के साथ मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।